हेलो गुड फ्रेंड्स, आप और हम स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन के लाइफ मेंबर इस्लामिक रिसर्च सेंटर एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदर अली जनाब एडवोकेट फैज साहब दोनों टीमों से मुलाकात करते हुए मैं फैज साहब से कहूंगा कि एक दो मिनट में कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए या कैंसर के अवेयरनेस के लिए दो अल्फाज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल एक आपके मैच का वक्त है, लेकिन एक बस एक से दो मिनट आपके लूँगा, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस के ताल्लुक से बहरहाल ये मैचेस रखे गए, स्पॉन्सर्स भी इसमें जो है डॉक्टर हैं। तो इसमें बस मैं ये कहूँगा, पहली चीज़ तो ये कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लिहाजा जिन लोगों को ये हो सबसे पहले तो घबराए ना, और दूसरा इलाज करें। बहुत सारी बार हम लोग किसी भी वजह से इलाज नहीं कराते हैं, डर की वजह से, गलत फहमियों की वजह से। बहरहाल सबसे पहले इसका इलाज करा, और इससे बिल्कुल भी ना डरे। दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि हर वो चीज़ जिससे कैंसर हो सकता है उस मामले में एहतियात करना भी ज़रूरी है। एक रिसर्च या एक रिपोर्ट बहरहाल मैं पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है अदरक और टबैको की वजह से होता है, स्पेशली गले के अंदर होना या मुँह के अंदर होना बहुत कॉमन। तो मैं यूथ से ये अपील करूँगा कि वो ऐसी हर चीज़ से बचे जो इसके तरफ इंसान को ले जाती है, और ख़ासतौर से वो चीज़ें जो हमें मालूम, यानी बहुत सारी चीज़ें कैंसर किससे होता नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नोन है, जैसे कि टोबैको। खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूथ मेरी बात को सुन रहा है, टोबैको की तो पैकेट ऐसा होता है कि या तो आप शायद सिगरेट बोलिए या फिर आप जो है गुटखा बोलिए, पाओ उस पर लिखा हुआ होता है। जब लिखा हुआ लोगों को समझ में आने लगा तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोटोज बनाए साहब की बिच्छू, वो भी लगा कि लोगों को नहीं समझता, तो आपको ऐसी खतरनाक तस्वीरें डाली जा रही है जिसको देख कर कम अज़ कम इबरत हासिल होती है कि ये चीज़ खाना और पीना नहीं चाहिए। बहरहाल तो सबसे पहले कैंसर से ना डरें, उसका इलाज करवाएं, और दूसरा हर उस चीज़ से बचने की बहरहाल कोशिश करें जो इस तरफ इस बीमारी की तरफ बहरा ले जाती है। और तीसरी आखिरी बात, ऐसे व्यक्ति से ऐसा शख्स जिसको ये बीमारी हुई है उसका इलाज कराने में जो कुछ बहरहाल अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, चाहे स्कीम दिलाने का मामला हो, पैसों से मदद करने का मामला हो, या फिजिकल हेल्थ जिसको बोलते हैं ना, जाकर मदद करना, वो करने की बहरहाल कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको कैंसर की खराबी चल में बहरहाल कामयाब करें। और कैंसर से बचना यही सब बचाव ही उपाय, यही हम आरोग्य जागृति और लवर्स स्पोर्ट लवर्स एसोसिएशन के और से इसके जरिए से सबको संदेश देना चाहते हैं। और वकील साहब ने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया है, इसलिए अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उनको शोहरत हासिल करे, और उनके हाथों से ऐसी समाज सेवा करो, यही प्रार्थना करते हुए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें चाहेंगे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में थोड़ा और चंद मिनट सामना देखने के लिए देना, क्योंकि ये टीमों का थोड़ा हौसला बढ़ जाए। आरोग्य जागृति।